हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम कुछ इस टाइप की लाइट बल्ब फोटोटिंग करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद अपने मॉडल को करेंगे चूज करने के बाद इशू आइकन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसके हाईलाइट को बढ़ा लेते हैं, इसके शैडो को कम कर लेते हैं, ब्लैक्स को भी कम कर लेते हैं, वाइटिस को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सपोजर को भी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद टेम्परेचर आइकन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे कलर्स पे क्लिक करने के बाद ऑरेंज कलर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसके इल्यूमिनेशन को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद येलो कलर पे क्लिक करके इसके सैचुरेशन को कम कर लेते हैं, इसके इल्यूमिनेशन कर लेते हैं फुल। उसके बाद ग्रीन कलर पे क्लिक करके इसके भी सैचुरेशन कर लेते हैं एकदम कम, इल्यूमिनेशन को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद सभी को मैं जल्दी क्लिक कर ले रहा हूँ, इसके सभी को सैचुरेशन को एकदम कम कर लेते हैं, इल्यूमिनेशन को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद नेक्स्ट टूल सेलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसके क्लैरिटी को कम कर लेते हैं, इसके मैग्नेट को एकदम कम कर लेते हैं, इसके मिड पॉइंट को भी एकदम कम कर लेते हैं, फीलर्स को इसको बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसके राउंडनेस को भी बढ़ा लेते हैं, इसके राउंडनेस को कम कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल सेलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कलर नॉइस रेडिएशन को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद स्मूथनेस को भी बढ़ा लेते हैं। सो गाइस, क्या आप देख सकते हैं हमारा फोटो पहले ऐसा था और अभी ऐसा हो गया। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद स्नैपशॉट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने फोटो को कर लेंगे चूज। फोटो को चूज करने के बाद टूल्स वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे सिलेक्टिव पे क्लिक करने के बाद फेस को कर लेते हैं सिलेक्ट। उसके बाद इसको ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं, इसके सेंटर साइज को कम कर लेते हैं, इसके सैचुरेशन को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टूल्स आइकन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे ब्रश में आने के बाद इसको कर लेते हैं -10। उसके बाद साइड इसको कर लेते हैं ब्लैक, जिससे कि और भी अच्छा लगने लगेगा। इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टूल्स आइकन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद चले जाएंगे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद हम अपने PNG को चूज कर लेते हैं। इस PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको इस साइड कर लेते हैं सेट करने के बाद इसको कर लेते हैं ऐड करने के बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद वापस टूल्स आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद हम अपने PNG को चूज कर लेते हैं। उसके बाद इसको कर लेते हैं ऐड करने के बाद बल्ब के ऊपर इसको कर लेते हैं सेट करने के बाद इसकी एक एपिसिटी को कर लेते हैं लो, थोड़ा सा इसको और सेट कर लेते हैं। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टूल्स आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद हम अपने अगले वाले PNG को चूज कर लेते हैं। करने के बाद इसको करते हैं लाइटन करने के बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। सो गाइस, क्या आप देख सकते हैं हमारा फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसके बाद इसो आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे व्यू एडिट में आने के बाद इसको करते हैं इरेज। इधर से कर लेते हैं इसको डन। सो गाइस, क्या आप देख सकते हैं हमारा फोटो बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद शो कर लेंगे सेव।